चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 7 की, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में। अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, उनके अंदर जाने वाले करंट का क्या होता है, उनके पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम समझेंगे। और इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी 12.7। तो ये जो एक्टिविटी है, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो मैं सर्किट बना देता हूँ और उसके बाद आपको चीज़ों को समझाना शुरू करता हूँ। तो बड़े ध्यान से और पूरे फोकस से इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए घर, तो एक्टिविटी 12.7 में पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का सर्किट तैयार करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्किट के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो इस सर्किट में 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1, R2 और R3, और तीनों एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। इसके अलावा एक वोल्ट मीटर भी यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सके। इस वोल्ट मीटर की मदद से R1, R2 और R3 तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक एमीटर भी लगा हुआ है, की लगी हुई है, ऑन है, ऑन का मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। एमीटर में जिधर से करंट एंटर करेगा उधर प्लस लगाएंगे और जिधर को करंट निकल जाएगा उधर माइनस लगाएंगे। यही चीज़ वोल्टमीटर के साथ भी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया हुआ है हमने। आप इस वोल्टमीटर को ऐसे भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि इस वोल्टमीटर की मदद से हम इन तीनों का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वोल्टमीटर को इन पे अलग अलग लगाना चाहें तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं इधर दूसरा डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। तो वोल्टमीटर को दूसरे तरीके से ऐसे लगाया जा सकता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो भी वोल्टमीटर इन सब का अलग अलग रेजिस्टेंस, सॉरी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे सकता है, ठीक है। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी से मिलेगा, R2 का भी इसी से मिलेगा और R3 का भी इसी से मिलेगा। लेकिन अगर आप वोल्टमीटर को अलग अलग लगाना चाहते हैं, मान लो आप R1 के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप R3 के ऊपर वोल्टमीटर को लगाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सर्किट डायग्राम तो हमने तैयार कर दिया है। सबसे पहला जो केस है, यहाँ पर हम एमीटर की जो रीडिंग है उसको नोट करेंगे और जो वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है उसको भी नोट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एमीटर को यहाँ से हटाकर इन सब रेजिस्टेंस के यहाँ पर सीरीज में अलग अलग जगह पर एमीटर को लगाया जाएगा। एक बार हम एमीटर को यहाँ पर लगा देंगे, एक बार हम एमीटर को यहाँ पर लगा देंगे और एक बार हम एमीटर को यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ के बजाय हम इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम एमीटर की रीडिंग इस केस में निकालेंगे तो हम पाएंगे कि अलग अलग जो रेजिस्टेंस हैं तीनों, उनके अंदर एमीटर की रीडिंग अलग अलग आ रही है। इससे ये पता चलेगा कि तीनों जो रेजिस्टर्स हैं उनके अंदर करंट जो है वो डिफरेंट जा रहा है। हम इन्हें रजिस्टर भी कह सकते हैं और रजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें एमीटर की रीडिंग अलग अलग मिलेगी, इसलिए हम ये पाएंगे इस एक्टिविटी में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबके अंदर अलग अलग करंट जाता है। मान लो कि यहाँ से अगर करंट I निकल रहा है तो आगे जाके वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। क्योंकि हमें एमीटर की रीडिंग अलग अलग मिल रही है, इससे ये साबित होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स के अंदर जो करंट जाएगा वो कैसा जाएगा, डिफरेंट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वोल्टमीटर जब हम देखेंगे वोल्टमीटर की रीडिंग, तो जो हमने R1 पे वोल्टमीटर लगाया उसकी रीडिंग, और जो R2 पे वोल्टमीटर लगाएंगे उसकी रीडिंग, और जो हम R3 पे वोल्टमीटर लगाएंगे उसकी रीडिंग, हम देखेंगे कि तीनों जगह पर लगे हुए वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो कैसी आएगी, सेम आएगी। अभी मैंने इन दोनों पे आपको लगा के दिखा रखा है, तीसरा वाला क्योंकि जगह की कमी है इसलिए मैंने दिखाया नहीं है लगा कर, ठीक है। और तुम्हारी बुक में तो एक पे लगाया हुआ है, देखो तुम्हारी बुक में तो एक पे लगाया हुआ है बस। कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटी 12.7 को जब हम पूरा कर देंगे तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन सारे जो रजिस्टर्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है।
सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, कि आई जो होता है वो डिफरेंट होता है और वी जो होता है वो सेम होता है, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है तो उनके अंदर अलग अलग करंट जाता है, लेकिन उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे सही तरीके से लिख देता हूँ। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है कि इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, वी ऑब्जर्व दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर में करंट कैसा जाएगा? डिफरेंट जाएगा। बट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, लेकिन हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। आई डिफरेंट रहेगा और वी क्या रहेगा? सेम रहेगा। कहाँ पर? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। हम एक और चीज नोटिस करेंगे कि अगर हम इन तीनों के अंदर जाने वाले करंट को प्लस कर देंगे तो वो टोटल जो करंट है उसके इक्वल आ जाएगा। तो इस बात को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द करंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट आई जो है वो हर एक रजिस्टर के अंदर जो करंट जा रहा होगा उसके सम के क्या होगा? इक्वल होगा। और इसी की मदद से अब हम आगे जाके पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको ड्राइव करने जा रहे हैं अगले पेज पर। फिलहाल हमने इस पेज पर क्या समझा उसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी, हमने एक्टिविटी 12.7 में ये समझा कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो हर एक के अंदर जाने वाला जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, करंट डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है, उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख भी दिया। हमने एक और चीज नोटिस की कि अगर हम इन तीनों के करंट को प्लस कर देंगे तो इन तीनों का जो करंट है वो टोटल करंट के क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो अगर इन तीनों का करंट टोटल करंट के इक्वल आ जाएगा, इसी की मदद से पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं अगले पेज पर। तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो अगले पेज पर मैंने ये लिख दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट होता है वो हर एक रजिस्टर के अंदर जाने वाले करंट के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। अभी पिछले पेज पर हमने देखा था। अब हम यहाँ पे आई का जो फार्मूला होता है ना उसको लगाएंगे। देखिए, हमारे पास ओम्स लॉ से जो फार्मूला आया था वो इस तरह से था, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई का फार्मूला क्या बनेगा? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इस फार्मूले को हम यहाँ सब जगह अप्लाई करेंगे। तो आई की जगह हम क्या लिख देंगे? वी अपॉन आर। आई वन की जगह क्या लिख देंगे? वी अपॉन आर वन, वी अपॉन आर टू और वी अपॉन आर थ्री। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि V जो है उसमें 1, 2, 3 नहीं लगा है, क्योंकि अभी पिछले पेज पर पढ़कर आ रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या होता है? सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है इसीलिए V में 1, 2, 3 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद V अपॉन R तो ऐसे ही रहेगा, V कॉमन निकाल लेंगे, अंदर रह जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ठीक है, फिर इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से पूरी एक्टिविटी और पूरे डेरिवेशन को समझते हैं। अगर एग्जाम में डेरिवेशन करने को आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे, यहाँ से करंट आई पास कर देंगे, इसको लिख देंगे आई वन, इसको लिख देंगे आई टू और इसको लिख देंगे आई थ्री। बस इतना डायग्राम बनाने की जरूरत होगी और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। उसके बाद फिर बस आप ये लिख दीजिएगा कि वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, फिर फॉर्मूले लगा देना, फिर V कॉमन निकाल देना और इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तुम बना दोगे। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हमने इस पूरे एक्टिविटी में क्या सीखा है फिर से रिपीट करते हैं। हमने ये सीखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी होगा
रजिस्टर्स को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाएगा तो उन सब के अंदर करंट जो होगा वो डिफरेंट जाएगा, लेकिन उन सब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक और चीज़ हमने देखी कि इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर जाने वाले करंट को अगर प्लस कर देंगे तो वो टोटल करंट के इक्वल आ जाएगा। तीन चीज़ों को हमने इस एक्टिविटी में समझा है और इसी एक्टिविटी के बेस पर हमने ये डेरिवेशन तैयार किया है जिसकी मदद से हम टोटल रेजिस्टेंस को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं आगे जो एग्जांपल्स हैं उनको करने में, तो ध्यान से देखिएगा जरा। चलिए घर, तो एग्जांपल 12.8 हमारे सामने है। इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन सर्किट डायग्राम, ये जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, सपोज द रजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। तो ये जो रजिस्टर्स आप देख रहे हैं इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, ये 5 ओम का है, ये दूसरा वाला 10 ओम का है और तीसरा वाला जो है वो कितने ओम का है, 30 ओम का है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में जाने वाला करंट निकालना है। तो निकालते हैं, देखिएगा कैसे। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि हर एक रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें जाने वाला जो करंट है वो क्या है, I1, और दूसरे में जाने वाला करंट I2 है और तीसरे में जाने वाला करंट I3 है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम I1 निकालने जा रहे हैं। करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ का जो फार्मूला होता है उसी को अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, V = IR, तो I का फार्मूला क्या बनेगा, V/R, R जो है वो डिवाइड में चला जाए, तो V/R1। आप ये समझ गए होंगे फिर से कि V जो है उसमें 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहता है और इस पूरे सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट, यही इन सबका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 12 पुट कर दिया जाएगा, R1 की जगह पर क्या रखा जाएगा, 5। अब 5 से 5 रख दिया है, 5 से 12 को डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल कर आ गया 2.4 एम्पियर। इसी तरह से R2 में जो करंट जा रहा है वो क्या है, I2, उसको भी निकाल लेते हैं, I2 = V/R2। V तो सबके लिए सेम ही रहेगा, पूरे सर्किट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या होता है, सेम होता है, तो V 12 और R2 कितना है, देखो यहाँ पे 10, तो 10 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद आता है I3, जो करंट इसमें जा रहा है उसको निकालने के लिए V/R3 फार्मूला लगेगा, V सबके लिए सेम होता है पैरेलल में और R3 की जगह क्या रख दिया जाएगा, 30। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 और 3 4 जाएगा, 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो हमने पता लगा लिया कि हर एक रजिस्टर के अंदर कितना कितना करंट जा रहा है। इस तरह से ए पार्ट पूरा हुआ, अब बी पार्ट देखो क्या है, द टोटल करंट इस पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालना है। अब देखो यहाँ से जो करंट जाएगा वो I होगा, जब वो आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमने ये समझा था एक्टिविटी 12.7 में कि अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो वो टोटल करंट के क्या आता है, इक्वल आता है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हम इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है कि टोटल करंट जो निकलेगा वो तीनों के अंदर जाने वाले करंट को प्लस करके निकलेगा। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 कितना है, देखो 2.4, इसी तरह से 1.2 और इसी तरीके से 0.4, सबको प्लस करके आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, तो अगर आप टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो हर एक के अंदर जाने वाला जो करंट है उसको अलग अलग निकाल कर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसके अलावा इस सर्किट के टोटल करंट को निकालने का एक और तरीका है जो आपको बाद में सिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल टोटल करंट ऐसे ही निकलेगा। अब आ जाओ सी पार्ट पर, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ कितना है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, देखिए जरा, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये वाला फार्मूला उसके लिए लगाया जाता है, तो इसी को हम लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, 1/R = 1/R1 +1/R2 और +1/R3, और इसको अगले पेज पर ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं। तो इस तरह से मैंने फार्मूला लगा दिया है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी थी देख लेते हैं पिछले पेज से,
R1 5 था, R2 10 था और R3 कितना था? 30। तो सबसे पहले वाला 5 था, उसके बाद वाला 10 था और उसके बाद वाला कितना था? 30 था। ठीक है, अब इन सब का LCM ले लेते हैं। इन सब का LCM आ जाएगा 30। 5 6 जा 30, 10 3 जा 30 और 30 1 जा 30। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल आ गया, 1/3 वैल्यू आ गई किसकी? 1 अपॉन R की। लेकिन हमें तो R निकालना होता है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, 3 ओम आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से उस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल कर आ गया? 3 ओम। तीनों पार्ट हो चुके हैं। एक चीज आपको और नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पर, देखिए क्या है वो। देखो इसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, इसका 10 ओम था और इसका 30 ओम था, तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकल कर आया वो कितना कम आया निकल कर? 3 ओम आया। तो इससे हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी कनेक्ट किया जाएगा रजिस्टर्स को, तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो हमेशा कम आएगा, कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये कम आया है, जो दिए गए हैं 5 10 और 30 उससे ये कम आया है। तो ये बात याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम आता है और सीरीज में हमेशा क्या होता है? ज़्यादा आता है। सीरीज में हम देख चुके हैं। तो एग्जाम्पल 12.8 में हमें ये डायग्राम दिया हुआ था और इस डायग्राम के बेस पर कुछ चीज़ें निकालनी थी, जैसे कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में जाने वाला करंट निकालना था। हमने फार्मूले लगाए और ईजीली निकाल लिया। हमने फार्मूला लगाते समय इस बात का ध्यान रखा कि वी जो है वो सेम रहेगा, इसलिए इसमें 1, 2, 3 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमसे पूछा गया था द टोटल करंट, इस पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, तो उसके लिए इन तीनों का जो करंट है उसको प्लस कर दिया जाएगा, तो टोटल करंट हमारे पास आ जाए, वो भी निकाल दिया। आखिरी पार्ट में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस पूछा गया था, तो हमने देखा कि ये सब पैरेलल में है क्योंकि इन सब के अंदर अलग अलग करंट जा रहा है, तो इनके पैरेलल में होने की वजह से इनका जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो ये वाला फार्मूला लगा कर निकलेगा, 1/R=1/R1+1/R2+1/R3। लगाया, एलसीएम लिया और ये निकल कर आया। फिर बाद में इसको क्या करना होता है? रेसिप्रोकल करना होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 12.8 जो कि एक आसान एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे साइड में देखो जरा क्या है वो बात। अभी अभी हमने जो टोटल करंट निकाला था वो 4 एम्पियर आया था निकल के, उसके लिए हमने तीनों में जाने वाले करंट को क्या कर दिया था? प्लस कर दिया था। लेकिन मैंने बताया था कि करंट निकालने का दूसरा तरीका भी होता है। देखिए क्या, पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालने के लिए, तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे I=V/R। अब क्योंकि हम पूरे सर्किट का करंट निकाल रहे थे, बी पार्ट में हम पूरे सर्किट का करंट निकाल रहे थे, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे, पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस रखा जाए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये है पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, यही हमने हर एक का जब अलग अलग निकाल लेते तब भी यूज किया था और अभी भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो 3 है। फिर 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो कितना आ गया? 4 एम्पियर आ गया, जो हमने पिछले पेज पर ऐसे करके निकाला था। देखो I=I1+I2+I3 से निकाला तब भी 4 एम्पियर आया और इस तरह से निकाला तब भी 4 एम्पियर आया। तो ऐसे दूसरे तरीके से भी टोटल करंट निकाला जा सकता है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि टोटल करंट निकालते समय टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, आप खुद भी इसकी अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब हमारे सामने एग्जाम्पल 12.9 है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है इसके अंदर R1, R2, R3, R4, R5 चार जो रजिस्टर्स हैं वो आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। सॉरी ये चार नहीं, ये पांच हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इन पांचों रजिस्टर्स की जो वैल्यूज हैं वो भी हमें दी हुई है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ये कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। R
सॉरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, नंबर एक। नंबर दो, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी हमें निकालना है। तो क्योंकि ये सर्किट जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, तो कॉपी में लिख लेते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वो सर्किट बना दिया है। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है। जो करंट यहाँ से चलेगा उसके पास आगे जाकर दो रास्ते हो जाएंगे, तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर अलग अलग करंट जाएगा, लेकिन फिर वो इकट्ठा होकर सेम बन जाएगा, दोबारा से वो आई बन जाएगा। फिर वो इधर से आगे जब बढ़ेगा तो अब उसके पास तीन रास्ते होंगे। तो ये जो करंट के अलग अलग रास्ते हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो करंट चलेगा उसको दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इन दोनों में अलग अलग करंट जाएगा। ऐसे ही इन तीनों में भी अलग अलग करंट जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि वो जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है वो भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसमें अलग अलग करंट जा रहा है, और नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें भी सबके अंदर अलग अलग करंट जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका कुल रेजिस्टेंस कितना है, मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस मिलाकर कितना है ये पता लगाएंगे। फिर जो नीचे वाले तीनों हैं इन तीनों का रेजिस्टेंस मिलाकर कितना है इसका पता लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिलाकर आएगा आर डैश के इक्वल। तो अगर हमें उस टोटल रेजिस्टेंस को निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/R′=1/R1+1/R2। ये फार्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग करंट जा रहा है, तो इनका टोटल जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो यही वाला फार्मूला लगाकर निकलेगा। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/R1 की जगह 10 और R2 की जगह 40, फिर इसका LCM ले लिया जाएगा, LCM 40 आ जाएगा, 10 4 जा 40 और 40 बन जा 40, तो 5/40, 5 बन जा और 5 8 जा 1/8, ठीक है। फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा तो जो R डैश है वो आ जाएगा 8 ओम। इसका मतलब इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो मिलाकर कितने के इक्वल होगा, 8 ओम के इक्वल। इसी तरह से इन तीनों का भी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसको हम लिख देते हैं R′, ठीक है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इन तीनों में भी अलग अलग करंट जाएगा, इसका मतलब ये तीनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे, और पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 1/R3, 1/R4 और 1/R5। इसके बाद 1/30, इनकी वैल्यूज रख देंगे 1/20 और 1/60, ठीक है। अब हम LCM लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, LCM जो है वो 60 आ जाएगा, 32 जा 60, 23 जा 60 और 61 जा 60, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो है 3/2, 5/16, 6/60, 6/1 जा और 6/10 जा, तो कितना आ गया 1/10। 1/R′ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/10। तो 1/R′ 1/10 के इक्वल है, तो सॉरी 1/R′ जो है वो 1/10 के इक्वल है, तो R′ की वैल्यू आ गई 10 ओम। अब क्या हुआ कि हमारा जो सर्किट है इसमें इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो मिलाकर R′ था, जो कि हमने 8 ओम निकाला, और इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो मिलाकर R′ है, और जो हमने निकाला है कितना, 10 ओम, ठीक है। तो ये ऊपर वाले दोनों का मिलाकर 8 ओम आया और नीचे वाले तीनों का मिलाकर कितना आ गया, 10 ओम। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बदल कर अगले पेज पर बना देते हैं ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगले पेज पर जाने से पहले ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मिलाकर 8 ओम आया है और इन तीनों का मिलाकर कितना आया है, 10 ओम। अभी आपने देखा था, दोबारा से देख लीजिए, ये देखिए 10 ओम आया, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगले पेज पर बना रहे हैं, तो उस डायग्राम को बदल कर मैंने अगले पेज पर बना दिया है। आप देखिए बदलाव क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा जरा।
12 वोल्ट की बैटरी एज इट इज है और की भी ऐसे ही लगी हुई है। यहाँ पे के लिख देना जरूर, की जगह पर के लिख देना, ठीक है। एमीटर भी ऐसे ही लगा हुआ है, सिर्फ एक ही जगह चेंज हुआ। इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस मिलाकर आया था वो आर डैश था और वो कितना आया था, 8 ओम आया था। तो इन दोनों की जगह हमने ये बना दिया, ठीक है। और इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस मिलाकर आया था, ये तीनों मिलकर जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, ठीक है। तो इन तीनों को हटाकर इनकी जगह बस एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के क्या होगा, इक्वल होगा। और इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, 10 ओम आया था। तो डायग्राम को इस तरह से चेंज किया जा सकता है, ऐसा करने में कोई भी बुराई नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम डायग्राम को ऐसे बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अब ये एक सिंपल डायग्राम बन चुका है। अब हम इसका, ये जो सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल करेंगे तो अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए आप डायग्राम को इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस डायग्राम के बेस पर अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों हैं इनके अंदर करंट एक ही जा रहा है या फिर अलग अलग जा रहा है। कुछ बच्चे इसमें बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि देखो देखने में तो पैरेलल लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैरेलल लाइनें जब भी देखी हैं वो ऐसी ही देखी है। तो वो बच्चे ये सोचते हैं कि देखने में तो ये पैरेलल ही लग रहा है और वो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देते हैं, जो कि गलत है। देखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि करंट सेम जा रहा है या डिफरेंट जा रहा है। अगर करंट सेम जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और करंट अगर अलग अलग जाएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जो करंट यहाँ से चलेगा आई, वही इसके अंदर जाएगा और वही घूमकर इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि करंट के पास दूसरा रास्ता है ही नहीं जाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में सेम करंट का फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि दोनों के अंदर सेम करंट जा रहा है। तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा हमारे सर्किट का, वो निकलेगा R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश ये है, R डबल डैश ये है, ठीक है। इसके बाद R डैश की जगह कितना आ जाएगा, 8, और R डबल डैश की जगह कितना आ जाएगा, 10। 8 प्लस 10 कितना हो गया, 18। तो इस तरह से हमारे सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस निकल कर आया वो कितना आ गया, 18 ओम आ गया। एक बार फिर से पूरे जो सवाल है उसको रिपीट करते हैं। तो हमें इस तरह का एक सर्किट दिया गया था और सबसे पहले हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना था। तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है और इनका कुल रेजिस्टेंस निकल कर आ गया 8 ओम, ठीक है। ये तीनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में थे और इनमें पैरेलल वाला फार्मूला लगाकर टोटल रेजिस्टेंस इनका निकल कर आ गया 10 ओम, ठीक है। उसके बाद हमने डायग्राम को चेंज कर दिया, उन तीनों का 8 ओम ये रहा और उन दोनों का 8 ओम ये रहा और नीचे जो तीन थे उनका 10 ओम ये रहा। फिर हमने देखा कि ये वाला इस वाले के साथ सीरीज में है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम करंट जा रहा है और सीरीज का फार्मूला होता ही है। तो इस तरह से सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया गया है। अब हमें ये पता लगाना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा जरा बी पार्ट को। तो टोटल करंट इन द सर्किट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुराना फार्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। क्योंकि हम टोटल करंट निकालने जा रहे हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रखा जाएगा, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का कितना है, 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, 18 ओम, ठीक है। 6 टू जा और 6 थ्री जा, अब 3 से 2 को डिवाइड कर दो, पॉइंट लगेगा 0, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, और ऐसे ही चलता रहेगा। इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 0.67 एम्पीयर। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट, वो कितना है, 0.67 एम्पीयर, बहुत आराम से निकल गया है। तो इस तरह से हमने एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो था अपनी बुक का 12.9, उसको अच्छी तरह से समझ लिया है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ नहीं क्लियर होता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, और समझ में आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। फिलहाल हम पढ़ते हैं आगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और डायग्राम पर फोकस करते हैं।
तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ये जो कुछ डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस से होता है। तो ये जितने भी सर्किट्स बने हुए हैं यहाँ पे, इन सारे सर्किट का हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इनमें से कुछ सर्किट बिल्कुल सिंपल है और कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इनको निकालना हमें अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए पार्ट का निकालने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए किस तरह से निकलेगा। तो ए पार्ट का डायग्राम बना हुआ आप देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। अगर हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसके लिए हमें करंट के फ्लो पर ध्यान देना पड़ेगा। जो करंट यहाँ से चलेगा आई करंट, वही इन सब के अंदर से पास होता हुआ जाएगा, क्योंकि करंट के पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो इससे साबित होता है कि इन तीनों के अंदर पास होने वाला करंट क्या होगा, सेम होगा। और जब सेम करंट जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये सारे के सारे प्लस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इन सबको प्लस कर लिया है और इनका टोटल जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, क्योंकि ये 10 है तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 ओम बड़े आराम से निकाल दिया। ठीक है, तो सबके अंदर सेम करंट जा रहा था तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज में कैसे निकालते हैं, बस सबको प्लस कर देते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला जो डायग्राम है इसमें भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जो करंट यहाँ से चलेगा वो आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में हो गए, पैरेलल में, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग करंट जाएगा। फिर यहाँ से इकट्ठा होकर वो करंट फिर से सेम बन जाएगा, यानी कि ये वाला इन दोनों के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में, क्योंकि जो करंट इन दोनों में जा रहा है अलग अलग, वही इस पूरे के अंदर भी जा रहा है, यानी कि इसमें और इन दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो ये दोनों इस अकेले के साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में, लेकिन आगे जाके फिर से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और तो ये वाला किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो इस तरह से ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि इसमें हमें सीरीज भी दिखाई दे रहा है, पैरेलल भी दिखाई दे रहा है। तो इसको ईजी बनाने के लिए पहले, मतलब सवाल को आसान बनाने के लिए पहले हम इस सर्किट को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। इन दोनों के रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि वो होगा आर डैश, जैसे अभी पीछे एग्जांपल में किया था। और इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा इस तरह से, 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, और 1 का उल्टा भी 1 होता है, इसलिए आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से अब क्योंकि इन दोनों का 1 आया तो इन दोनों का भी तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। फिर भी मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, 1/r". ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों भी पैरेलल में है क्योंकि इनमें भी अलग अलग करंट जाएगा, तो फिर से 1 आ गया और उसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो ये पूरा 1 ओम का हो गया, ये पूरा भी 1 ओम का हो गया, और ये जो बीच में है ये कितने ओम का हो गया, 2 ओम का। तो अभी ये जो डायग्राम है ना ये किस तरह से बदलेगा, आप यहाँ पे साइड में देखिए जरा। तो ये दोनों का मिलाकर जो था R डैश वो कितने ओम का निकला, 1 ओम का। ठीक है, फिर बीच में ये वाला आ गया, ये 2 ओम का है। ठीक है, फिर आखिर में इन दोनों का मिलाकर कितना आ गया, इन दोनों का रेजिस्टेंस मिलाकर कितना आ गया, 1 ओम, जो कि R" था। ठीक है, ऐसे सिंपल सर्किट साइड में बना सकते हैं। अब टोटल जो रेजिस्टेंस निकलेगा आर, उसके लिए ये देखो कि सबके अंदर सेम करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ किस में हो गए, सीरीज में, ये पूरा, ये पूरा और ये बीच वाला, तीनों एक दूसरे के साथ हो गए सीरीज में। और सीरीज में कैसे निकाला जाता है, तो ये सारे के सारे अब सीरीज में हो चुके हैं और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस काफी आसानी से निकल जाते हैं, 1 + 2 और +1, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम। इस तरह से इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आया वो कितना आ गया, 4 ओम। एक बार फिर से समझते हैं, हमने देखा कि इनमें अलग अलग करंट जाएगा, ये दोनों हो गए पैरेलल में, और इनका कुल रेजिस्टेंस पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाकर हमने निकाला 1 ओम इन दोनों का, यहाँ पे लिख दिया।
बीच वाले का 2 ओम था ही, फिर इन दोनों का मिलाकर भी कितना हो गया 1 ओम। फिर देखा कि सबके अंदर सेम करंट जाएगा, ठीक है, इसका मतलब सारे एक दूसरे के साथ किस में हो गए, सीरीज में, और सीरीज के लिए इस तरह से निकल जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ध्यान से समझते रहिए, अभी 2 सर्किट और हैं और उसके बाद आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना बड़े अच्छे से सीख जाएंगे, फिर आप किसी भी तरह के सर्किट को इजीली कर पाएंगे। अब इस वाले डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे जो सर्किट दे रखा है वो एक ट्राइंगल की शेप में है, शेप वो किसी भी तरह की बना सकते हैं, शेप पे कभी ध्यान मत देना, ध्यान सिर्फ इस चीज पर देना है करंट सेम जा रहा है या फिर डिफरेंट जा रहा है। अगर सेम जाएगा तो सीरीज है और डिफरेंट जाएगा तो पैरेलल है। तो देखो यहां से करंट जो चलेगा आगे जाकर उसके पास 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते में मान लो इसमें चला गया I1 और इसमें चला जाएगा I2। तो अब यहां से जो I1 निकलेगा वही इसके अंदर भी जाएगा, इसमें भी कौन सा करंट जाएगा I1, क्योंकि I1 इधर से निकल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। अगर इस डायग्राम को हम बदल के ऐसे बनाते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए इस तरह से हम इस डायग्राम को बदल कर अपने आप से ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये देखो, ठीक है, ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये वाला और ये वाला, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो 2 ओम वाला ये नीचे, और वो जो ऊपर है 2 ओम वाले जिनमें सेम करंट जाएगा उनको इस तरह से बनाया जा सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। तो आप डायग्राम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पहले जिन दोनों में सीरीज में जा रहा था, अब भी उन दोनों में सीरीज में करंट जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां से जो करंट चलेगा वो आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहां से जो करंट जाएगा वही दूसरे वाले के अंदर भी जाएगा। इन दोनों में क्योंकि सेम करंट जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो पहले हम इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं और इसे देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा समझ लीजिए। मान लेते हैं कि इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस आर डैश से रिप्रेजेंट होगा, तो क्योंकि सीरीज में है तो आर डैश इज इक्वल टू 2 + 2 कितना आ गया 4 ओम, इन दोनों का मिलाकर 4 ओम आ गया। अब डायग्राम में देखिए क्या चेंज आएगा, डायग्राम को हम किस तरह से बदलेंगे, हमारा डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों का मिलाकर हो गया 4 ओम अभी अभी निकल रहे हैं, और इनके नीचे जो 2 ओम वाला था वो ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है। इस तरह से हमारा डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो डायग्राम अगर आप चेंज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। डायग्राम अगर एक बार बदल देंगे तो चीजें ईजी हो जाएंगी। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये इन दोनों का मिलाकर है, और ये नीचे वाला यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से जो करंट जाएगा दोनों के अंदर अलग अलग जाएगा। वैसे भी यहाँ से देखो I चला था, उसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में आ गए हैं, पैरेलल। तो पैरेलल वाले के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकलता है ऐसे 1/R = 1/4 + 1/2, ठीक है, 4 LCM आ जाएगा, 1 + 2 = 4, तो ये आ गया 3/4। लेकिन हमें R निकालना होता है, 1/R नहीं निकालना होता, तो R निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3 बना देंगे, ठीक है। अब 3 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 3 बन जा 3, 1 बचा 3, 3 जा 9 हो जाएगा 10, और बस इतना ही आ जाएगा 1.3 ओम, क्लियर। वहां पे भी देखो उस डायग्राम के हिसाब से अगर हम चलें तो नीचे तो 2 ओम बना हुआ है, और ऊपर इन दोनों का मिलाकर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे तो इन दोनों का मिलाकर कितना आ गया था 4 ओम आ गया था। अब दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं, तो 1/4 + 1/2 और निकलकर 1.3, सॉरी ये आ जाएगा 3/4, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वही सब चीज़ें होंगी। तो उम्मीद है कि ये वाला पार्ट भी आपके समझ में आ गया होगा आसानी से। अब देखिए आखिरी वाला पार्ट। तो जैसे पिछला डायग्राम एक ट्राइंगल के जैसा था, ये वाला जो डायग्राम है ये एक सर्कल के जैसा है। फिर से कह रहा हूँ कि डायग्राम पे कभी ध्यान मत देना, सिर्फ करंट पे ध्यान देना, ये देखना कि करंट अलग अलग जा रहा है या फिर सेम जा रहा है। अलग करंट गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेम करंट गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी देखो यहाँ से जो करंट चलेगा वो आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 2 रास्ते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में हो गए, पैरेलल में हो गए।
तो पैरेलल में हो गए तो इनका रेजिस्टेंस अब निकलेगा कैसे, ये वाला फार्मूला लगा के, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। आर वन भी टू है, आर टू भी टू है, ये भी टू है, वो भी टू है, तो मिलाकर कितना आ गया वन। और वन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन ही होता है। तो बड़े आराम से हमने इस सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो निकाल लिया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सर्किट इससे भी ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने जो मीडियम साइज के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया है, और बोर्ड के पेपर में इससे ऊपर के लेवल के आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप अच्छे से सीख गए होंगे कि किस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन दिया है कि सीरीज वाले भी हैं पैरेलल वाले भी हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे ही चीज़ों को धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे, बस पूरे फोकस से लेक्चर को देखा करें और सुना करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।